तो यो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, इज योर गेमर बॉय हियर एंड वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट। और गाइस, आप लोगों ने जब मैंने वीडियोस डाले, आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया कि भाई मेरा पीछे वाला बैकग्राउंड पूरा चेंज हो चुका, मतलब थोड़ी सी रिफ्लेक्शन, ग्रीन कलर वाला एक लाइट आ रहा है। तो किस लिए आ रहा है मैं बता देता हूँ, बिकॉज पीछे एलईडी स्ट्रिप्स लग चुकी है। तो हाँ, खतरनाक रिफ्लेक्शन के लिए, वीडियो के लिए इतना तो चाहिए ना गाइज। और गाइज, आज हम लोग एक गेम खेलने वाले हैं, मतलब माइनक्राफ्ट ही खेलने वाले हैं, बट अपनी सर्वाइवल सीरीज शुरू करने वाले ये, ठीक है? ये बता दिया, अभी सीधा गेम में आ जाओ, ये आ गए हम गेम में। ओके चलो डन, ठीक है, ठीक चल रहा है गाइस गेम, बिल्कुल ओपी चल रहा है और कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और गाइस मैं बता, 1 मिनट यार, ठीक है। और गाइस मैं बताना चाहता हूँ, देखो आप खुद देख लो, अभी मैंने थोड़ा सा ये क्रोमा की का इफेक्ट डाला है, बिकॉज जो पीछे वाला जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा अभी ये जो चेयर की वजह से ना हट रहा है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा वो किया है ताकि आपको थोड़ी सी तो रोशनी दिखे ग्रीन कलर वाला, ताकि यार मैं बता तो पाऊँ कम से कम। और गाइज आज हम लोग 1 पॉइंट, देखो मैं आपको बताइए तो 1.17.1 पे खेल रहे हैं, ऊपर आ रहा होगा, आप लोग बहुत इंतजार कर रहे थे चीज का, हम भी बहुत वेट कर रहे थे, और आज वो चीज पूरे सामने खेल रहे हम। ठीक है गाइस, आज हम लोग इधर एक सर्वाइवल सीरीज शुरू करने वाले हैं, वो जो हमने पुरानी सीरीज छोड़ दी थी, और इस बार वाला तो क्रिएटिव नहीं होने वाला, बिकॉज अभी मेरे को पता चल चुका है कि क्रिएटिव नहीं करना चाहिए। और गाइज आज मैं, देखो गाइज मैं आपको बता देता हूँ, जब भी मैं पहले खेलता था मेरा नाम कुछ अलग था, लेकिन अभी देखो, अभी मैं अपने प्रीमियम अकाउंट के साथ खेल रहा हूँ, जो मेरे को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बट आप लोग को दिखाना था बस। लेकिन हाँ, और गाइज हमने न्यू एसएमपी क्रिएट किया है, जो जिसका नाम है यूट्यूबर गेमर एसएमपी, तो उसकी भी स्ट्रीम आने वाली है एंड वीडियो भी आने वाले हैं, तो बहुत जल्द वो भी रेडी होगा, बट ठीक है आप लोग अभी वो उसके लिए इंतजार करो, बिकॉज वो अभी थोड़ा सा वीडियोस बन रही है उस पे, अभी उसकी स्ट्रीम्स भी बाकी है, बहुत कुछ बाकी है उस पे, तो हाँ अभी तो पूरा पेंडिंग है। और पहले गाइस अभी हमको माइनक्राफ्ट सीखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अभी हमको आ चुका है माइनक्राफ्ट। और पहले गाइज मैं क्या करता था पता है, सीधा उड़ तोड़ो और विलेज से उड़ चोरो, ये नहीं था, हमको क्या करना चाहिए माइनक्राफ्ट पे, सीधा सीड्स इकट्ठे करो, खेती बाड़ी करो एंड शीप्स को इकट्ठे करो, ताकि हमको खाना चाहिए तो वो करना चाहिए यार, मैं वो करता ही नहीं हूँ। अभी मेरे को पता चला कि भाई इतना माइनक्राफ्ट में इतना आलसी बनना गलत बात है, बट हाँ गाइज। और आज के वीडियो में हम एक घर भी बनाने वाले, तो बिल्कुल खतरनाक वीडियो तो हो गई बिल्कुल, बिकॉज कितने टाइम की बनने वाले मेरे को खुद नहीं पता, बट हाँ कोशिश करूंगा थोड़े से कम मिनट की वीडियो बनाने की, बिकॉज इतने ज्यादा टाइम की आप तो देख नहीं पाओगे, बट हाँ कोशिश करूंगा, कोशिश ये मेरी जारी रहेगी कि भाई आप सीधा यार क्या बोलूं। और गाइज हमारे वर्ल्ड का नाम है क्या था यार, क्या मैंने आरजी 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 आरबी, यस आरजी आरजी आरबी आरजी आरबी, यस आरजी आरबी, खतरनाक वर्ल्ड, बिकॉज यार ये वर्ल्ड मेरा नहीं है, ये वर्ल्ड आरजी आर्मी एंड हम सबका है जो हमारे आर्मी में शामिल है। तो हाँ जैसे कि देखो, जैसे कि एजियो भाई, जैसे कि उज्जवल भाई का टीम है यूजी यूजी आर्मी, और ऐसे ही हमारा, और एजियो भाई का जैसे है कि एजियो आर्मी, तो हम भी आरजी आर्मी कर देते। तो देखो गाइस अभी मैं बताना चाहता हूँ कि अभी हम थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं, बिकॉज हम बिल्कुल चिल करके खेलते थे पहले, अभी हमको सीरियस गेम प्ले करना है,
यार इतने भी चिल करके खेलेंगे तो भाई डायमंड माइन कर रहे हो, सीधा लावा आ गया, बातें करे जा रहे हो, सीधा भाई गया खत्म। वो नहीं होना चाहिए। तो अभी आप बिल्कुल सीरियस गेम प्ले करने वाले, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीधा एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं। ये हमने बना ली क्राफ्टिंग टेबल, और ये गाय बैन फालतू में से वेस्ट कर रहे हैं, और हमको एक पॉपी भी चाहिए, बिकॉज हम एक डाई बना लूंगा मैं। अभी हमारे पास कोई टूल्स नहीं है, तो इसी टूल्स नहीं होने के कारण अभी हमको गाय को सीधा हाथ से मारना पड़ रहा है, दूसरा ऑप्शन मेरे पास कुछ नहीं। अबे रुक 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 साले हरामी हरामी गाय रुक। चलो मेरे को खाना मिल गया, वरना अभी मेरे पास टूल्स नहीं था और मेरा खाना मिस हो जाता। तो हाँ अभी मैं टूल बना लेता हूँ। तो ये मेरे पास स्टिक्स है, तो पहले ये, और हम देखो हम ऐसे ऐसे सीधा बना बना के कुछ नहीं करते, हम सीधा क्लिक करते हैं और ले लेते, उस पे ज्यादा टाइम जाता है, और इतने इतने टाइम के हम वीडियो भी नहीं कर सकते, जो बहुत इम्पॉसिबल है मेरे लिए। तो भाई मैं नहीं कर सकता, आई डोंट थिंक मैं इतने टाइम की वीडियो बना पाऊंगा। और अभी गाइस हमको खाना वाना थोड़ा सा इकट्ठे करने हैं, तो पता नहीं एनकोडर हेलो ठीक चल रहा है ना गेम? हाँ ठीक है। और अभी गाइस हमको थोड़ा सा खाना वाना इकट्ठे करना है, और आज गाइस मैं कर रहा हूँ 480p की रिकॉर्डिंग, बिकॉज यार इतने, अबे मेरे फालतू में मेरा एक्स वेस्ट हो गया, इसीलिए गाइस मैं बोल रहा भाई अभी सीरियस गेम प्ले करना पड़ेगा सीधा, अगर ऐसे कमेंट भी करते करते सीधा मर जाएंगे भाई। अभी सीधा सीरियस गेम प्ले चाहिए हमको, और कुछ नहीं होने वाला भाई। अभी अभी गाइस थोड़ा सा सीरियस हो जाता है, बिकॉज अभी से बट, और अभी मैं सीधा ऐसे पिग थोड़े से खाना आना इकट्ठे करने के लिए पिग मार लेता हूँ, बिकॉज खाना भी मेन है। तो चार भाई साहब, अबे मैं सीधा क्विट हो गया, वाह। हाँ ठीक है, और इधर विलेज है क्या आसपास? और गाइस मैं पक्का बता रहा हूँ, कसम खा के बोल रहा हूँ, देखो मैं कसम खा के बोल रहा हूँ कि मैंने सीड बिल्कुल नहीं डाला, कसम है भाई। आयरन है भाई साहब, सॉरी कॉपर, कॉपर है यार, मेरे को लगा आयरन है। कॉपर के टूल्स गाइस सभी बनते हैं क्या? कॉपर के टूल्स गाइस बनते हैं क्या? आई डोंट थिंक कॉपर के टूल्स बनते हैं। नहीं उन लोगों ने डाला है, मतलब ऐसा मेरे को सुना है कि कॉपर के टूल्स बनते हैं, कॉपर। ओ भाई साहब, उधर तो मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला, मैं करूंगा तो स्ट्रिप माइनिंग करूंगा इस गेम में तो बिल्कुल नहीं। अभी और हमको ये जंगल बायोम से भी निकलना है, इधर तो मैं अपना घर बिल्कुल नहीं बनाने वाला, और उस उधर तो बिल्कुल नहीं सीधा। भाई कतार कैसे घटिया घटिया बायोम मिल रहे भाई, ऐसा नहीं हो जाएगी भाई, मेरे को पूरा क्लीन करना पड़ेगा सारे के सारा। मैं सीधा बता नहीं सकता, नाइस। ढूंढते ढूंढते सोम बायोम मिल गया, वाओ। रुको पहले बोर्ड बनानी पड़ेगी, बस सोम बायोम में से फालतू में टाइम वेस्ट करने कोई बंदा नहीं जाता। नहीं, वो अलग इधर गया, आइए रहा, बिकॉज हमको बोर्ड भी एक चाहिए ताकि हम थोड़ी सी एक्सप्लोरेशन कर पाए। अबे बैठ बैठ, हाँ चलो अबे भाई साहब, मैं सोम मैम चीर के जा रहा हूं, वाह।
चलो अब पानी से बाहर आ गए, सीधा इसको पट पट मारो। और गाइस इधर हम एक बिल्कुल अच्छा सा घर बनाने वाले जो बहुत तगड़ा लेगा मेरे लिए। तो भाई अरे मेरे को इस जगह से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, पता है क्यों गाइस? बिकॉज इधर सोम बाग में ना खाने की तो पहली बात तो बिल्कुल कमी नहीं है, दूसरी बात तो ये है कि भाई साहब एक मिनट, हेलो वीडियो बनाया से पासवर्ड कॉल कर दी हाँ तो सॉरी गाइस मेरी मम्मी का कॉल आ गया था, रुको सॉरी 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 यार, इतना तो आप लोग मैनेज कर सकते हो ठीक है, इतना तो सब लोग मैनेज कर सकते हैं, इतना मैं भी मैनेज कर सकता हूँ, इससे आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना, अगर आप लोग को दिक्कत है तो भाई दस शीप मिल जा और एक ना बता, दो शीप है बस, आठ आठ मिला बस यार मेरे को। शीप भाई शीप का हेलो यार, मरना नहीं अभी, पहले रात में सीधा अभी अभी गाइस मैं ये चाहता हूँ कि शीप है शीप है बकरी है कि शीप है, बिकॉज मैंने सुना है कि इस अपडेट में बकरी भी आए तो शीप नहीं भी हो सकते, गोट गोट सॉरी गोट भी आए बकरी का से क्या। चलो भाई अभी हमारा काम तो पहले हो गया वो करना था, और ये हम लिली पैड से ऐसे कुछ बना भी सकते हैं, नहीं कुछ भी नहीं बना सकते, चलो सो जाओ। माइनक्राफ्ट की पहली रात वो भी 1.17.1 में बिना मरे, और गाइस इस बार मैं सीरियस गेम नहीं कर रहा हूं, तो हाँ अगर आप मैं यार मैं कमेंट्री इतना टाइम नहीं कर पाऊंगा सॉरी, जितना कर पाऊंगा उतना करूंगा, जितना नहीं कर पाऊंगा उतना नहीं कर सकता, बिकॉज सीरियस गेम प्ले के टाइम में कभी कमेंट्री नहीं करना चाहिए बिकॉज गड़बड़ हो जाएगी बंदा। आप लोग सोच रहे हैं भाई मैं तो सीधा कमेंट्री करे जा रहा हूं यस मैं कमेंट्री कर रहा, लेकिन भाई यार कमेंट्री की एक लिमिट होती है ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई कमेंट्री हम सीधा करते ही, मिल गया हमको माइनक्राफ्ट का पहला चीज जो हम ढूंढ रहे थे, ये रहो कोल, कोल इज हियर इन माइनक्राफ्ट 1.17। स्टोन एज में भी अभी हम जा चुके सीधा, उधर डॉल्फिन भी, भाई ये मत बोलो कि भाई उधर ओशियन मॉन्यूमेंट भी है, भाई ये मेरे को मत बोलो बस, अगर उधर ओशियन मॉन्यूमेंट था ना भाई सीधा ये वर्ल्ड का सीट निकालो और सीधा भाई स्पीड रन के सर्वर में डालो, वीडियो बताओ ये करने वाला मैं। गोट से गाइस हमको क्या मिलता है, क्या खाना पीना, अबे कुछ नहीं मिला भाई, गोल्ड माइनक्राफ्ट में फालतू है क्या 1.17.1 में, मतलब मैंने खेला है टेक्नो गेमर्स के वीडियो देखा है, लेकिन मैंने सुना कि भाई उधर से मीट मिलता है हमको पॉक बेडरॉक एडिशन में तो मिलता है, भाई बेडरॉक एडिशन में तो मिलता है, पता नहीं पॉक एडिशन में पता जावा एडिशन में क्या सीन है। सिक्सटीन कोबलस्टोन, मैं एक टॉर्च भी बना लूंगा बिकॉज मैं 55 लगा के खेल रहा हूँ,
एक्सपी के लिए चीज बस है, एक्सपी अगर लेनी है तो गोट से ले लो सीधा। रुको अभी भाई, अभी फालतू हरकतें किसी और दिन कर लेंगे, अभी इम्पोर्टेंट काम चल रहा है तो हमको टोर्च भी बनाना है अभी। टोर्च तो ऐसे ही बनता है ना, ऐसे करके ऐसे। मेरे को सीधा डर लगने लग गया भाई साहब, ये क्या हो गया यार। अब हाँ ठीक है भाई, मेरे को सीधा ऐसे डर लगने लग गया भाई साहब, यार ये क्या हो गया भाई, मैं टॉर्च क्यों नहीं बना पा रहा। बट वो थोड़ा सा ग्लिच चल रहा था, कोई बात नहीं यार, माइनक्राफ्ट यार, ग्लिच नहीं होगा तो क्या होगा। चेस्ट प्लेट बना सकता हूँ? नहीं। चड्डी जूते, एक काम करता हूँ जूते बना देता हूँ। हाँ जूते काम आएगा, और हमको खाना वाना भी पकाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा अभी, हमको फर्नांस भी चाहिए, फर्नांस भी बना लो सीधा। खाना आना पका के बिल्कुल ओपी तरीके से जाएंगे, और इधर ही मैं सोच रहा हूँ अपना घर बसा लूँ सीधा, एकदम बिल्कुल ओपी वाला घर बना देता हूँ इधर ही, खतरनाक। गाइस क्या बोलते हो, अगर आप बोलते हो कि भाई इधर ही घर बनाओ, अभी सीधा वुड ग्राइंड करता हूँ और इधर ही घर बना, अगर आप बोलते हो तो। और गाइस मैंने जो डिजाइन सोच के रखा है वो डिजाइन मैंने अपने उधर ही भी बनाने वालों में, अपने उसपे भी मतलब अपने यूट्यूबर एसएमपी में भी, और अपने उसपे भी, क्या बोलते हैं यार, बिकॉज ये घर, ये डिजाइन मेरे को सबसे अच्छा लगा। मैं चेस्ट भी बना लूंगा, थोड़ा तो खाना भी पक गया, थोड़ा तो सा और पकाना बाकी है, तो ये पूल चॉप भी पका लो, बाकी सारा तो पकता रहेगा भाई। खाना बिल्कुल कमी नहीं होना चाहिए, खाने की कमी अगर हुआ ना भाई बहुत गड़बड़ होगी। मैं स्प्रिंट दबा के अगर ऐसे रखू, देखो गाइस में देखो, मैं स्प्रिंट दबा रहा बिल्कुल भाई, स्प्रिंट दबाने के चक्कर पे मर बच जा रहा। ओ पॉपी भाई, पॉपी भाई, पॉपी मिल गया, अच्छा हुआ। रेड को कन्वर्ट करने की बात कर रहा था, रेड में, बिकॉज रेड इज माय फेवरेट कलर, बिकॉज रेड मेरे को पसंद है बहुत ज्यादा। चलो बना लिया रेड बेड, अभी के लिए गाइस, अभी के लिए नहीं, ये आज से हमारा परमानेंट प्लेस, आज आज से हम इधर ही घर बनाने वाले। तो पहले गाइस मैं काम कर लेता हूँ, सीधा ऐसे कर लो, और मेरे को ये एरिया थोड़ा सा क्लीन करना है, क्लियर करना है। भाई पूरा क्लियर करना है भाई, नॉर्मली नहीं भाई, ऐसे यार बहुत टाइम लगने वाला है, बट हाँ मैं करूंगा, मैं श्योर करूंगा। और मैं अपना घर इधर बनाने वाला हूँ, इस माउंटेन पे, और मैं उसे ग्रास भी कटे भाई, अभी से काम करने लग जाते हैं, बाकी का काम होता रहेगा, पहले अभी घर बनाना है सीधा। शवेल, शवेल लो, ऐसे स्टिक्स फालतू में वेस्ट कर, ये लो, एक शवेल भी बनानी है। चार कोबलस्टोन मैं ले लिए, काम आएगा, अभी के लिए मेरे को एक शवेल चाहिए ताकि मैं जो पूरा का पूरा एरिया है इसको क्लीन कर पाऊं, और इधर ही मैं अपना घर बनाने वाला हूँ, इधर ही अपना मैं ड्रीम जो मेरा घर है वही बसाने वाला हूँ। तो जितना भी ग्रास है उनको मैं क्लियर कर देता हूँ गाइस,
उसके बाद में बाकी का काम करूंगा। और गाइज आप लोग को मैं एक एक मिनट रुको, मैं सीधा वर्ल्ड से, जब मैं सीधा वर्ल्ड सेव करूंगा ना गाइज, आपको मैं दिखा दूंगा कि भाई यार मेरे पास प्रीमियम अकाउंट है, बिकॉज आप लोग मानते नहीं हो। बिकॉज आज आज मैं यही आज इसीलिए नाम चेंज है, बिकॉज आज मैं अपना प्रीमियम अकाउंट यूज कर रहा हूँ। मैं अम्यूज नहीं करता, बिकॉज यार ऐसा डर रहता है कि भाई यार गलती से अगर पासवर्ड ये लीक हो गया तो यार गलत सीन हो जाएगा, तो वो बिल्कुल नहीं करते। इसीलिए सेफ्टी ज्यादा है, तो इसीलिए मैंने सीधा सोचा भाई क्रैक से खेलो नॉर्मली, जब जरूरत पड़ेगी तब यूज कर। इसलिए हम नहीं खेल रहे थे, अभी हम सीधा खेल रहे अपने प्रीमियम अकाउंट के साथ। रुको और इस जगह को भी क्लियर करना है, रुको सीधा पत्थर अत्थर कुछ नहीं चाहिए, सीधा क्लियर करो। इधर जमीन ही गाड़ देंगे, जमीन जमीन बची नहीं दीजिए इधर। इधर अपना बड़ा सा घर बनाने वाले, जो मैंने सोच के रखा है बिल्कुल उपयोग वाले। भाई साहब यार गाइस मैं इसलिए नहीं बोल रहा बिकॉज मैं घर बनाने में कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, बिकॉज यार सीरियस गेम प्ले करना है भाई। अगर ऐसे कमेंट्री करते रहेंगे तो भाई टाइम ऐसे वेस्ट होगा और फालतू में से कमेंट्री फालतू जाएगा, तो कमेंट्री फालतू में तो आपको बिल्कुल नहीं करना है। और हमको अभी ये फर्नेस भी हटाना पड़ेगा इधर से, बेड को भी हमको सीधा टेम्पररी जो बेड है मैं सीधा इधर लगा देता हूँ, तो मेरा बेड गायब हो गया। नहीं इन्वेंटरी में क्राफ्टिंग टेबल फाइनेंस ठीक है, और आज से अपना ड्रीम जो घर है मेरा, जो सबसे प्यारा घर है, वो आज मैं इधर बनाने वाला हूँ। तो अभी हमको थोड़ी सी वुड कट करनी है, उससे पहले रात हो रही है तो सीधा हम सो लेते हैं भाई साहब। चलो रात हो गई एंड सीधा सो गए, बिकॉज इधर हमको एक भी मॉब स्पॉन होने नहीं देना जब तक जब तक हमारा घर नहीं बनता। अगर घर बन गया तो जितने भी मॉब स्पॉन हो जाए कोई टेंशन नहीं है, मतलब टेंशन तो है मेंशन की इतनी बात नहीं है मतलब। और गाइस ये बायो मैंने इसलिए चुना बिकॉज मैं अपना घर यही उड़ का बनाने वाला हूं, तो आप लोग समझ गए होंगे मैं कैसा बनाना चाहता हूं। एक से दो तीन रुको, एक दो तीन चार पांच, थोड़ा सा और बड़ा करना है भाई साहब। यार भाई बहुत वाट लगने वाली है आज। भाई ये वाला वुड मत दो यार, ऐसा मेरे को ये वाला वुड नहीं चाहिए, मेरे को ये वाला वुड चाहिए ताकि अपना मैं घर बना पाऊ। और ये वाला वुड मेरे को बहुत सारा चाहिए भाई, ऐसे इतना नहीं भाई, एक दो तीन चार पांच ले लिया
काब हो गया, बिल्कुल नहीं, बहुत सारा। क्यों ले रहे हो गाइस, आप लोग समझ लो, अभी हमको ये सारे के सारे, मेरा मेरा प्लान ही ये था। मैं क्या सोच रहा था पता है, बिकॉज अगर ऐसे हम तोड़ने जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो सीधा ऐसे अगर कर ले, सीधा आराम से 48 प्लान्स बन गया मेरा भाई। मतलब इसको कहते हैं स्ट्रेटेजी, ठीक है, स्ट्रेटेजी भी होती है। रुको, फालतू में से स्ट्रेटेजी यूज नहीं करना चाहता मैं। एक दो तीन चार पांच, रुको, डर्ट है ना मेरे पास बहुत सारे, तो डर्ट को भी हमको सीधा फिल करते जाना है। जगह भी भाई साहब यार बहुत लगने वाले, तो हाँ जगह की तो बात नहीं है, मैं डर्ट आराम से इकट्ठे कर करके मैं बना लूंगा, तो कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा सा और ठीक है, अभी हम नेक्स्ट सूट इधर से लेके जाएंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे एक ऐसे एक ऐसे था, देखो यही सेम लुक मेरे को अभी डाल, तो एक कैसे था भाई, एक दो तीन, वापस मेरे को ऐसे कुछ के कुछ। हाँ ठीक है ऐसे, यस, तो अभी हमको वापस डर्ट लगाना पड़ेगा भाई साहब यार। ऐसा लग रहा है भाई मैं माइनक्राफ्ट में हार्डवर्क कर रहा हूं, देखो चलो हो गया। अभी कौन से स्प्रूस, स्प्रूस प्लांट्स है भाई, मेरे को लगा 32 कहाँ से आ गया सीधा मेरे पास। उसके बाद ऐसे था, उसके बाद ठीक है, आज मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, इसको खींचना पड़ेगा आपको, तो खींचने से पहले सीधा हटाओ इस जगह को, थोड़ा सा खराब दिख रहा है, मेरे को बिल्कुल नहीं दिखा रहे। ठीक है हटा दिया, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, ठीक है हो गया। अभी सीधा ऐसे इतना खींचो, और उसके बाद आगे का हमको वापस खींचना है, ऐसे एक ऐसे दो ऐसे तीन, वापस वही वही काम करना है, तो इधर भी ऐसे खींचो 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 पूरे इधर तक का, ठीक है। वापस हमको अभी ऊड़ी इकट्ठे करने जाना पड़ेगा, वाह चलो अभी सीधा। और गाइस ये बार तो इसलिए चूज मतलब चूज किया, बिकॉज यार इधर पेड़ बहुत सारे, देखो अगर जिस बाग में पेड़ बहुत सारे हैं तो उधर मेटल भी ज्यादा मिलेगा, बात तो वही है ना। थर्टी प्लांट्स, चलो ऐसे, चलो 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 ऐसे, ठीक है पास से मैंने प्लैंक लगाना शुरू किया इस तरह से। ऐसे वापस ऐसे करके वो लगाने, तो ये हमारा कुछ बन गया, घर का जो बेस है वो कुछ इस तरह का अभी बन चुका है। देखो गाइस ये टावर बिल्कुल नहीं है, आप लोग जो सोच रहे हो बिल्कुल टावर नहीं बना रहा, एक अच्छा
अच्छा सा घर बनाऊंगा, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह। अबे 19 20। ठीक है, इधर जो मैं घर बना रहा मैं उधर भी, उधर मैं थोड़ा सा अलग कुछ करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज सेम टू सेम घर तो अच्छा तो बिल्कुल ले लेगा कि भाई सर्वाइवल वर्ल्ड का घर यार कॉपी मत करो यार, तो वैसा लग जाएगा, तो इसीलिए चलो अंदर चलो। स्टिक्स भी है थोड़े से, तीन मिले मेरे को। चलो बाकी क्या मैं हो जाएगा मैनेज। मेरे को अभी मैं इस बार पूरे के पूरे ज्यादा वुड निकल ले आऊंगा, ताकि मैं मेरे को जरूरत नहीं पड़े और। भाई साहब यार 19 20 हो जाना चाहिए था, बट नहीं। चलो अच्छा बात, 20 करके जाते हैं। 21 उठ मैंने इकट्ठे कर लिए, अभी सीधा चलो कितने बंदे। अब मेरे को पता है बहुत सारे बंदे वाले 64 by 20। चलो दबानो। हाँ चलो, मैं अभी स्प्रिंट यूज कर रहा ताकि मैं तेज काम कर पाऊँ, बिकॉज इतना धीरे धीरे करूंगा तो यार 5 साल लग जाएंगे इसे। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह, अबे 11 12 लगाने में यही होता, मैं काउंट कर करके लगा रहा। आप ऐसा मत समझो कि मैं काउंट करके नहीं लगा रहा, मैं काउंट कर करके लगा रहा। अबे चार देना भाई साहब। गाइस रुको भाई साहब, चार्ज नहीं है मोबाइल पे, चार्ज को लेके आता। ठीक है गाइस रुको, सॉरी गाइस एक मिनट लेट हो गया। हाँ चलो आ गया, मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है तो भाई रात होने लग गई यार, यही प्रॉब्लम मेरे को माइनक्राफ्ट में अच्छी लगती। चलो अभी सोने के लिए दोबारा। इधर बहुत सारे शीप भी है गोट भी है, अच्छी बात है भाई साहब। अरे गोट ने उछला नहीं, वो मैं मजाक कर रहा हूँ, गोट ने उछला नहीं, वो माइनक्राफ्ट वालों ने डाला है सीधा गेम में। और अगर हमको पानी की भी कमी नहीं पड़ने वाली, बिकॉज यार देखो भाई क्यों कमी नहीं पड़ने वाली, सीधा हमारे पास इतना खतरनाक वाला ओशियन है, तो मैं दोबारा पानी लेने नहीं जाने वाला उधर। एक दो चलो, जो लुक मैंने सोचा है वैसा ही बने, बिकॉज अगर कुछ उससे तगड़ा बन गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा,
मैं फ्लूट लेके आया, तो फ्लूट लेता हूँ ना। चलो फ्लूट, एक ही बार में फ्लूट मिल गया, वाह बहुत अच्छा। एक ही बार में फ्लूट मिल गया। मेरे को ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़े से ज्यादा, और ज्यादा चाहिए। ये है, अगर अगर कोई भी उड़ अगर ऐसे ऊपर रहे तो ऐसे जंप करके तोड़ दो, वो टूट जाते। देखो देखो, मैंने बोला था ना ये ट्रिक है। आप लोग को लगता है भाई वो, यार वो नहीं होने वाला, आप लोग को ऐसा लगता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं। थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन, 16 logs बनेंगे कितने? 64 by 64 ही बने बस। 16 log में मतलब 64 बनता है क्या? ये चीज भाई, ये चीज गाइस मेरे को अभी पता चल चुकी है। तो 16 logs में 64 अप्लायंस बनते हैं, तो मेरे को अभी पता है कितना चीज। अभी मेरे को टोटल फाइव, मेरे को कम से कम 50 wood वो लगाना पड़ेगा, ओक ओक लॉग लगाना पड़ेगा। ठीक है, कज अभी हमारा घर रेडी हो चुका है, मतलब घर बन रहा है, तो अभी कुछ खतरनाक लगने वाले हैं, बिकॉज जैसा दिख रहे हैं घर का एंट्रेंस ये वाला है। ठीक है, ये वाला, ये जो मैं देख रहा था जहां से, ये वाला एंट्रेंस है। तो अभी हमको इसको और ऊंचा करना है, इतना छोटे में कोई नहीं रहता घर, और ऊंचा करना है अभी। उस ऊंचा करने के बाद हमको इसके स्टेयर्स बनाने, नॉर्मल स्टेयर भी बना सकते हैं, बट इसकी ही बनाने, बिकॉज ये टाइप का घर बना है। अभी आई होप कंप्लीट हो जाए। प्लीज ज्यादा वुड इकट्ठे नहीं लेंगे मेरे को, प्लीज यार मेरे को जाना पड़ेगा। देखो देखो, मैंने बोल ही रहा था गाइस, मेरे को वापस जाना पड़ेगा यार। जितना बड़ा घर उतना ही खतरनाक वाला ग्राइंडिंग। मेरे को ऐसा लगता है भाई, अभी मेरे को जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ना घर बनाने वाली, नहीं तो कुछ मेरे को सीधा ग्राइंड करके रख देना पड़ेगा, बिकॉज इतने मिनट की तो वीडियो अब नहीं बना सकते। स्नो को, ये स्नो अगर मेरे को मिल रहा है, स्नो ब्लॉल ये भी बना सकता हूँ मैं। तो से मैं 7 snowball, ये काम आते हैं, ले लेता हूँ मैं। कितने पहले? 6 24 24 में सच से हमारा काम हो जाना चाहिए। रुको, अभी थोड़ी सी MLG करेंगे भाई साहब। रुको 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 रुको, ड्रीम ड्रीम क्लच करने के चक्कर पे भाई पोपट हो जाए। हाँ, थोड़ी सी खतरनाक MLG करते हैं तैसे, बिल्कुल। बोर्ड को ऐसे घुमा दो, सीधा सुगत है ड्रीम क्लच। ये गाइस याद रखना, मैं आप लोगों को क्यों बोल रहा हूँ भाई, आप लोगों को पहले से बताऊंगा, शायद से किन लोगों को पता भी होगा कि ये कैसे करते हैं। बट हाँ, हम भी प्रो बंदे हैं, हम भी खतरनाक बंदे हैं, तो इसीलिए दिखा दिया ट्रिक। लेकिन हाँ गाइस, मेरे को वो लावा वाला भी आता है, लेकिन वो थोड़ा सा हार्ड है। अगर आप चाहते हो कि मैं वो करके दिखाऊं, तो इस वीडियो पे कम से कम
थोड़ा सा इस वीडियो पे कम से कम आप कर दो सीधा 10 लाइक्स और लावा वाला आ जाएगा, ठीक है? पक्का बोल लो, इस वीडियो पे 10 लाइक कर दो, उसके बाद लावा वाला आ जाएगा। एक मिनट, मैं घर कहां से बना रहा था? अभी मेरे को वापस इधर से स्टेयर्स बनानी पड़ी है, तो मेरे को कुछ लग रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओ रुको गाइस रुको, मैंने बोर्ड अगर ऊपर रख दिए तो रुको रुको रुको, कुछ ट्रिक आजमाएंगे हम, बिकॉज हम प्रो बनते हैं। चलो ऐसे एक्स मार के तोड़ दो ना, फालतू में टाइम वेस्ट क्यों करने से। अभी उतरने के लिए भी हम यही ट्रिक यूज करने वाले, सीधा से यूज किया और ऐसे अबे भाई बोर्ड की हमको इतनी भी जरूरत नहीं। गाइस एक काम करता हूँ, सबसे खतरनाक अबल जी करते जा रहा हूँ, तो सीधा एक लाइक वाला बटन मत ठोकना, बिकॉज भाई हुआ ही नहीं, वाई नहीं तो का लाइक वाला बटन। चलो 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 आगे चलो, चलो ओ मैंने बोर्ड रखा लेकिन पता नहीं कोई ग्लिच हो गया। चलो छोड़ो, बोर्ड पे बैठ तू, अबे एडवांसमेंट गाइस, इस चीज की भी एडवांसमेंट आती है, वाओ। भाई मेरे को लगता नहीं था भाई इस चीज की भी एडवांसमेंट आती है, ये तो मैं ट्राई कर रहा था भाई। माइक वाले ने बता बहुत कुछ ऐड किया इस बार। अभी सॉरी कोट देखो तेरे को। ओके गाइस लेट्स गो, क्या आप लोग उस घर की लुक देखने के लिए रेडी हो? आप लोगों को चेंजेस दिख रहा है? हाँ, मैंने अपनी स्किन भी चेंज कर दिया, बिकॉज मेरे को टेक्नो ब्लेड सबसे अच्छा लगता है, तो हाँ मैं स्किन भी टेक्नो ब्लेड की कर दी है। और गाइस, और अभी ये सर्वर बन चुका है, बिकॉज यार अपने दोस्तों के साथ भी खेलना चाहिए ना भाई, सर्वाइवल वर्ल्ड, तो इसीलिए मतलब सोनक तो नहीं आ सकता, बिकॉज सोनक का तो सीन है, सोनक तो नहीं आ सकता, बट ठीक है। और गाइस अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये हमारा बड़ा सा किला, मतलब बड़ा सा टावर, एक बड़ा सा माइनक्राफ्ट टावर इन 1.17, जो मैंने भाई फुल ग्राइंड करके मैंने जैसा बताया था वही शेप का बने, बट ये कुछ ज्यादा ही उम्मीद से भी ज्यादा तगड़ा बन गया। देखो भाई साहब, एक इसको इधर लगाओ, हाँ तो गाइस ये उम्मीद से भी ज्यादा तगड़ा बन गया, मतलब खतरनाक बन गया बिल्कुल। और गाइस मैंने सोचा है कि मैंने अभी गाइस मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ दूसरे दिन, मतलब जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था वो
वो कल का दिन था, लेकिन आज मैं अभी जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो दूसरा पार्ट अभी वो आज है। तो मतलब दो दिन एक वीडियो लगाने में आज मैंने कर दिया, कुछ खतरनाक वीडियो होने वाली है इसका मतलब, समझ लो आप। ठीक है गाइस, और भाई मैं बोलना चाहता हूँ कि अभी सर्वर में इसलिए कन्वर्ट कर दिया मैंने, बिकॉज यार देखो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो सर्वर है ये यार, अगर हमारा ये और हमारा वर्ल्ड का नाम आरजी वो बिल्कुल नहीं है, हमारा नाम है गॉडलैंड। तो गाइस ये हमारा गॉडलैंड सर्वर, जहां पर मतलब मेरी खुद की सर्वाइवल सीरीज मैंने शुरू की है और इधर ही मैं खेलूंगा। बट ये क्या हो गया भाई साहब था, हाँ तो गाइस इधर ही मैं खेलूंगा। और गाइस ये मैंने सर्वर में इसलिए कन्वर्ट कर दिया, बिकॉज यार अकेले खेलने में मजा नहीं आएगा ना, सौनक को भी कभी कभी बुला लेंगे इधर, मतलब अगर आप चाहो तो, आप लोग की मर्जी है, वो मेरी कुछ दिक्कत नहीं है। और गाइस मैंने अपना ये लेदर का बिल्कुल ट्रस्टेड कलरफुल आर्मर बना लिया जो मेरे को बहुत ओपी लग रहा है। अगर आपको भाई साहब ये गाइस भाई यार ये बनाने में मैं बता रहा हूं, इसीलिए मैंने एक दिन ले लिया, बिकॉज इसको बनाने में कुछ ऐसा है। अगर आपको गाइस ये वाली सर्वाइवल सीरीज की एपिसोड अच्छी लगी हो तो भाई साहब यार मैं बताना चाहता हूँ बहुत मेहनत लग गई सब बनाने में, अभी और काम बाकी, अभी इधर हमको फ्लोर भी बनाना है, हर एक इधर एक फ्लोर होना चाहिए, ऊपर एक फ्लोर, तो हाँ अभी हमको बहुत कुछ काम करना बाकी है। और गाइज हम नेक्स्ट वीडियो पे डायमंड ढूंढने जाने वाले, क्या आप लोग तैयार हो 1.18.1 में? धूम मचने वाली अभी बिल्कुल। और गाइस आज की इस माइनक्राफ्ट एपिसोड, रुको पहले मेरे को सीधा, आज की इस माइनक्राफ्ट गेम प्ले वीडियो के लिए इतना ही गाइस। आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, भाई बहुत मेहनत लग गई सर्वाइवल सीरीज को स्टार्ट करने में, मैं बहुत टाइम से सोच रहा था भाई स्टार्ट करने वालों, आज टाइम मिला, मतलब आज नहीं मैंने कल वीडियो रिकॉर्ड किया था, घर बनाने में दो दिन लग गए। तो हाँ गाइज मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट पार्ट में एंड स्ट्रीम्स एंड वीडियोस में। आप मेरे को बताना कि कमेंट्स में कि भाई इस मतलब मेरे सर्वाइवल इसकी मैं स्ट्रीम करूं कि नहीं। अगर आप चाहते हो कि मैं स्ट्रीम करूं तो जल्दी जल्दी लाइक वाला बटन दबा दो, एंड इस वीडियो पे मैं एम करता हूं कम से कम 57 व्यूज, तो सभी लोग जाओ कंप्लीट कर दो, एंड जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड आज की इस माइनक्राफ्ट गेम प्ले वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।